हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 की एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है, क्या दिया है हमको? ए बी एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी आर सपोज टू प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस। वी आर नॉट यूजिंग इंडक्शन थ्योरम फॉर इंडक्शन कंसेप्ट फॉर दिस बिकॉज द सेम क्वेश्चन इज इन इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके ही प्रूव करना है। तो इसका दोस्तों जो प्रूफ है, लेट्स स्टार्ट प्रूविंग दिस। आप सबसे पहले ए टू द पावर एन को लिख लें, ध्यान से देखिए कि क्या लिखना है आपको, बी प्लस ए माइनस बी इस तरीके से लिखेंगे तो आपका काम एकदम से आसानी से हो जाएगा। और आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है एन सी जीरो बी टू द पावर एन ए माइनस बी टू द पावर जीरो एन सी वन बी टू द पावर एन माइनस वन ए माइनस बी टू द पावर वन, आपको फार्मूला होपफुली क्लियर होगा। और अगर नहीं है तो मैं आपको फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कर क्या रहे हैं हम। एक्स प्लस वाई टू द पावर एन में एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर जीरो एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई टू द पावर वन एन सी टू एक्स की पावर कम होगी वाई की पावर बढ़ेगी। कब तक होगा ये? जब तक आपको एन सी एन एक्स टू द पावर जीरो वाई टू द पावर एन ऐसा नहीं मिल जाता। तो इसमें भी एक्सपेंशन कब तक होगा? एन सी टू बी टू द पावर एन माइनस टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस अप टू एन सी एन बी टू द पावर जीरो ए माइनस बी टू द पावर एन, ये नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, आप एन सी जीरो का वैल्यू आपको मालूम होगा, एन सी जीरो इज व्हाट? वन। तो एन सी जीरो का वैल्यू वन है, तो एन सी जीरो की वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन, इसकी वैल्यू वन है और इसका पावर जीरो है तो ये भी वन है, प्लस बी टू द पावर एन। और अब यहाँ से इस टर्म से आगे तक लास्ट तक उसमें से हम ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैं ए माइनस बी कॉमन लूँगा तो अंदर क्या आने वाला है मेरे पास? अंदर आने वाला है एन सी वन बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस, यह मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको अब समझ तो आ चुका है, प्लस एन सी टू b टू द पावर n माइनस टू इंटू ए माइनस बी टू द पावर वन प्लस, ऐसे कम करते करते आखिरी वाला जो होगा वो होगा एन सी एन बी टू द पावर जीरो ए माइनस बी टू द पावर n माइनस वन। अब इसको लिख पाएंगे हम a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू इंटीजर। क्यों इंटीजर? क्योंकि हमको दिया है a और b क्या है, a b एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, a b और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये सारा जो कंटेंट है राइट साइड का लिखा हुआ, ये सब इंटीजर होगा। एन सी वन एन सी टू ये सारी जो वैल्यूज होती हैं ये तो मालूम ही है आपको, ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। और a और b भी इंटीजर हैं तो a माइनस बी भी क्या होगा? इंटीजर होगा। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, पर इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ने लिखा हुआ है इंटीजर। तो ये अगर इंटीजर है तो इसका ये मतलब हुआ, व्हाट डज इट इम्प्लाई, क्या है कि a माइनस बी इसको डिवाइड करता है। इट इम्प्लाइज a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। मैं इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन एडवाइस करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं बाइनोमियली। आप 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4 डिविजिबल बाय 4, ये आप प्रूव करने की कोशिश करें। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे इस नंबर पे लिख के आप बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे बाइनोमियल पे, सेट्स पे और सारे चैप्टर्स पे
जो भी आपके कोर्स के चैप्टर्स हैं आप ज़रूर जा कर के देखिए, मैंने सारी क्लासेस के बना रखे हैं, क्लास 6 to JEE तक के वीडियोस बना रखे हैं, मेरी बेस्ट विशेष हैं, आप उन सबको देखें और आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएं, चैनल को रोके नहीं, आगे तक जाने दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑल द बेस्ट।